हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वॉच। स्टडी वॉच में आपका स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करेंगे क्लास सिक्स की एनसीईआरटी की इंग्लिश सप्लीमेंट्री के चैप्टर नंबर 9 को, जिसका नाम है व्हाट हैपेंड टू द रेप्टाइल्स। व्हाट हैपेंड, हैपेंड का मतलब हुआ। रेप्टाइल्स, व्हाट हैपेंड टू द रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स को क्या हुआ। रेप्टाइल्स जैसा हम जानते हैं स्नेक्स को, लिजर्ड्स, क्रोकोडाइल्स या फिर टर्टल्स, इन सारे जानवरों को हम रेप्टाइल्स कहते हैं। व्हाट हैपेंड टू द रेप्टाइल्स यानी रेप्टाइल्स को क्या हुआ। पंभूपति इज अ पीसफुल विलेज, पंभूपति एक शांतिपूर्ण गांव है। पीसफुल का मतलब शांतिपूर्ण। इनहैबिटेड बाय अ वैरायटी ऑफ पीपल, जहां पर कई तरह के लोग रहा करते थे। इनहैबिटेड मीन्स लिव्ड इन और ऑक्यूपाइड। प्रेम द नरेटर ऑफ द स्टोरी, प्रेम जो कहानी को कहने वाला है, फ्लीज हिज विलेज अंडर अनफॉर्चुनेट कंडीशंस, भाग जाता है अपने गांव से दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों से, परिस्थितियों में। टू रीच पंभूपति बाई चांस, और संयोगवश पहुंच जाता है कहां, पंभूपति में। अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट का मतलब बैड लक और अनलकी, बैड लक और अनलकी को हम कह सकते हैं अनफॉर्चुनेट। एन रेजिडेंट ऑफ द विलेज लुक्स आफ्टर हिम, एक गांव का रहने वाला, रेजिडेंट का हम कह सकते हैं पर्सन हु लिव्स समवेयर, पर्सन हो हु लिव्स समवेयर। एन ओल्ड रेजिडेंट ऑफ द विलेज, गांव का एक रहने वाला, लुक्स आफ्टर, लुक्स आफ्टर का मतलब देखभाल करना, उसकी देखभाल करता है। एंड और टेल्स हिम एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, और उसे एक वो बड़ी मज़ेदार, बड़ी ही दिलचस्प, बड़ी ही रुचिकर कहानी सुनाता है। यू मे नॉट बिलीव दिस, तुम इस पर विश्वास नहीं करोगे। यू मे नॉट बिलीव, तुम नहीं कर सकते विश्वास ऑन दिस स्टोरी, इस कहानी पर विश्वास तुम्हें नहीं होगा, या फिर तुम इस कहानी पर विश्वास नहीं करोगे। बिलीव का मतलब एक्सेप्ट दैट इज ट्रू, एक्सेप्ट दैट इज ट्रू, उसको हम कह सकते हैं बिलीव। यू मे नॉट बिलीव दिस स्टोरी, तुम इस कहानी पर विश्वास नहीं करोगे, बट लेकिन आई कैन टेल यू इट इज़ ट्रू, लेकिन मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि ये सच है। टेल मीन्स कम्युनिकेट। बिकॉज आई हैव बीन टू पंभूपति, क्योंकि मैं पंभूपति रहा हूँ या गया हूँ, यहाँ पर जो सेंस है, जैसा भी हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि फ्लीज हिज विलेज अंडर अनफॉर्चुनेट कंडीशंस टू रीच पंभूपति बाय चांस, तो वो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में भागकर अपने पंभूपति बाय चांस वो पहुँच जाता है। तो इसी तरह वो कहता है आई हैव बीन टू पंभूपति, मैं पंभूपति में रहा हूँ या फिर मैं पंभूपति गया हूँ। अ विलेज ऑन द एज ऑफ द जंगल, एक गांव जो जंगल के किनारे पर स्थित है, या फिर एक गांव जो जंगल के किनारे पर है। इट इज़ ऑन अ क्लिफ, ये एक क्लिफ पर है। क्लिफ को हम क्या कहते हैं, जो क्लिफ जैसे पहाड़ की जो सबसे ऊंचाई वाला एरिया होता है, ये अगर मान लीजिए एक पहाड़ है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये क्लिफ है। एंड द वास्ट फॉरेस्ट स्ट्रेचेस, एंड वास्ट फॉरेस्ट स्ट्रेचेस बिलो लाइक अ ग्रीन कारपेट, और उसके नीचे, उस क्लिफ के नीचे यानी उस गांव के नीचे जो जंगल है वो बिल्कुल मौजी ग्रीन कारपेट की तरह, बिल्कुल हरी मौजी, जो ग्रीन कलर की हमें बारिश में ज़्यादातर जहाँ पानी अक्सर गिरता है वहाँ पर ग्रीन कलर की हो जाती हैं, जिसे हम काई कहते हैं तो अपने आम बोलचाल की भाषा में, तो मौजी ग्रीन उस तरह के बिल्कुल उसके क्लिफ के नीचे उसका जो जंगल है वो बिल्कुल मौजी ग्रीन जैसा बिल्कुल दिखाई देता है। हम कह सकते हैं कि मौजी का मतलब कवर्ड विथ ग्रास, कवर्ड विथ मॉस। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ पीपल इन द विलेज, गांव में कई तरह के लोग रहते हैं। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ पीपल इन द विलेज, गांव में कई तरह के लोग हैं। डार्क जो थोड़ा सांवले हैं, फेयर जिनका रंग साफ है, टॉल जो लंबे हैं, शॉर्ट और जो छोटे हैं। दे स्पीक मेनी लैंग्वेजेस, वो
अनेक प्रकार की भाषाएं बोलते हैं, वो अलग अलग यानी वो ढेर सारी भाषाएं बोलते हैं, वहाँ अलग अलग तरह के लोग हैं और जो लोग अलग तरह के लोग हैं वो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। सम ईट मीट, कुछ मांस खाते हैं, सम डोंट, कुछ नहीं खाते हैं। सम प्रे इन अ स्मॉल टेम्पल एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट, कुछ प्रार्थना करते हैं मंदिर में जो गांव जो जंगल के किनारे पर स्थित है, यानी जंगल के किनारे पर मंदिर में कुछ लोग अपनी प्रार्थना करते हैं, अपनी पूजा करते हैं। अदर्स प्रे इन अ मॉस्क सम माइल्स अवे, और कुछ जो मस्जिदों में प्रार्थना करते हैं, अपनी नमाज पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं सम माइल्स अवे, कुछ दूरी पर, कुछ मील की दूरी पर। माई नेम इज़ प्रेम, मेरा नाम प्रेम है, मेरा नाम प्रेम है। आई है लीव मैनी हंड्रेड माइल्स अवे फ्रॉम पंभुपति, मैं कहाँ रहता था, मैं सौ मील सैकड़ों मील जिसको कह सकते हैं हंड्रेड माइल्स मैनी हंड्रेड माइल्स का मतलब सैकड़ों मील दूर पंभुपति से। आई हैव हर्ड अबाउट द विलेज, मैंने गांव के बारे में सुन रखा था। आई हैव हर्ड अबाउट द विलेज, मैंने गांव के बारे में सुन रखा था। बट आई हैव नेवर बीन देयर, लेकिन मैं वहाँ कभी गया नहीं था, यानी मैं वहाँ मेरे आई हैव नेवर विजिटेड दैट विलेज। लास्ट ईयर देन लास्ट ईयर, तभी पिछले साल समथिंग टेरिबल हैपेंड। समथिंग मीन्स कुछ, टेरिबल का मतलब एक्सट्रीमली बैड और सीरियस, एक्सट्रीमली बैड और सीरियस, कोई बहुत ही बुरी घटना हुई। द पीपल ऑफ माई विलेज ओ ऑफ माई ओन विलेज वेंट मैड, मेरे ही गांव के अपने लोग पागल हो गए। द पीपल ऑफ माई ओन विलेज, मेरे अपने ही गांव के लोग वेंट मैड मतलब पागल हो गए। फार फार अवे इन अ प्लेस दे हैव नेवर इवन बीन टू, जहाँ दूर दूर, फार फार अवे इन अ प्लेस अ टेम्पल और मॉस्क हैड बीन बर्न डाउन, और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फार फार अवे इन अ प्लेस दे हैव नेवर इवन बीन टू, मतलब वो जहाँ कभी गए भी नहीं होंगे वो लोग दूर दूर तक, वहाँ पर टेम्पल और मॉस्क हैड बीन बर्न डाउन, वहाँ की जो मस्जिदें थीं, वहाँ की जो टेम्पल्स थीं ऐसी नहीं थी जो जली हुई ना हो, यहाँ पर जो अभी अ टेम्पल और अ मॉस्क हैड बीन बर्न, एंड दे वेंट मैड और वो पागल हो गए। दे स्टार्टेड फाइटिंग विथ वन अनदर, वो आपस में झगड़ा करने लगे, वे आपस में लड़ने लगे। सम हैड टू रन अवे इन द मिडिल ऑफ द नाइट, कुछ को रात के बीच में ही भागना पड़ा, यानी उन्हें मिडनाइट, इन द मिडिल ऑफ द नाइट को हम क्या कह सकते हैं मिडनाइट, उन्हें रात में ही भागना पड़ा। एंड एट थ्री इन द मॉर्निंग, और लगभग तीन बजे, एट थ्री तीन बजे इन द मॉर्निंग, सुबह में, जिसको हम कह सकते हैं डॉन टाइम, डॉन एक डस्क होता है और एक डॉन होता है, डॉन द टाइम बिफोर द सन राइज, द टाइम बिफोर द सन राइज इज कॉल्ड डॉन। तो ये तीन बजे की जो बात कही जा रही है, एट थ्री इन द मॉर्निंग, इट इज़ द पीरियड ऑफ, इट इज़ द टाइम ऑफ डॉन, तीन बजे। एज आई ले इन माई हाउस, जैसे मैं अपने घर में पड़ा हुआ था, ले इन माई हाउस में हमने पड़ा था, हाफ अवेक आधा जागा हुआ, हाफ अवेक मीन्स आधा जागा हुआ, पूरी तरीके ना ही वो सो रहा था गहरी नींद में और ना ही वो पूरी तरीके से जागा हुआ था, तो हम उसे कह सकते हैं हाफ अवेक। टू द साउंड्स ऑफ हेट एंड वायलेंस, और वो जागते हुए उस टू द साउंड्स, उन आवाज़ों को नफ़रत की और हिंसा की, और वो सुन भी रहा था हिंसा की और नफ़रत भरी आवाज़ों को। देयर वॉज अ फायर, वहाँ पर आग लगी हुई थी, यानी देयर वॉज अ फायर, वहाँ आग लगी। मैनी हाउसेज वर बर्न डाउन इन द फायर, और मैनी हाउसेज वर बर्न डाउन इन द फायर, बहुत सारे, देयर वॉज अ फायर, आग जल रही थी, यानी वहाँ आग लगा दी गई थी। मैनी हाउसेज वर बर्न
डाउन इन अ इन द फायर, और बहुत सारे घर उस आग में जल गए थे। वन ऑफ देम वॉज माइन, उनमें से एक घर मेरा भी था। देर वॉज वन ऑफ देम वॉज माइन, मेरा भी उनमें से एक था। यानी जो गांव में आग लगी थी, लोग पागल हो गए थे, एक दूसरे की जान के दुश्मन हो गए थे, वो बहुत ज़्यादा हिंसक और बहुत ज़्यादा वो खतरनाक हो गए थे, और वो लोग एक दूसरे के घरों में आग लगा रहे थे, और एक घर प्रेम का भी था। आई मैनेज टू ग्रैब अ फ्यू क्लोथ्स, मैंने कुछ कपड़े लिए। मैनेज टू ग्रैब का मतलब क्या कह सकते हैं, ग्रास और सीज सडनली और रफली, किसी भी चीज़ को मतलब अचानक जल्दी से छीन करके झपट करके लेने को हम कह सकते हैं ग्रैब। तो ग्रैब को हम कह सकते हैं ग्रास्प। आई मैनेज टू ग्रैब अ फ्यू क्लोथ्स, मैंने कुछ कपड़े लिए। सम कॉइन्स, कुछ सिक्के लिए। माई लिटिल गणेश स्टैचू, और मैंने गणेश जी की एक स्टैचू एक मूर्ति भी ली। एंड आई रैन, और मैं भागा। आई रैन फॉर अ डे एंड नाइट, मैं दिन और रात भागता रहा, यानी चलता रहा, भागता रहा। रेस्टिंग वेन एवर माई लेग्स वुड नॉट कैरी मी एनी फर्दर, और मैं तभी आराम करता था। रेस्टिंग का मतलब आराम करना, रेस्ट का मतलब आराम करना। तो मैं तभी आराम करता था, वेन एवर, जब भी माई लेग्स वुड नॉट कैरी मी, जब मेरे पाँव असमर्थ हो जाते थे मुझे ज़रा सा भी आगे ले जाने में। आई जम्प्ड ऑन टू अ ट्रेन, मैं एक ट्रेन में चढ़ा। देन ऑन अ बस, उसके बाद फिर एक बस में। नो टिकट्स, मेरे पास कोई टिकट्स नहीं था, मैंने कोई टिकट नहीं लिया। नेवर माइंड, कोई बात नहीं। एवरीवन सीम टू बी रनिंग, सब कोई भागता हुआ जैसा दिखाई देता था। सब कोई कैसा दिखाई देता था, भागता हुआ, यानी अफरा तफरी मची थी, लोग परेशान थे, और जिसको जहाँ जो रास्ता मिलता था वो उसे उसकी तरफ भाग जाता था, जिस जो भी साधन उसे भागने का मिलता था वो वहाँ से भाग जाता था। सबको एक भागने की जल्दी सी थी। फाइनली, अंत में, फाइनली का मतलब एट लास्ट और अंत में। आई फाउंड माई सेल्फ इन पंभूपति, मैंने अपने आप को पंभूपति में पाया। एंड आई सॉ सम विलेजेस गैदर्ड नियर अ वेल, आई सॉ, मैंने देखा, सम विलेजेस, कुछ गांव वालों को, गैदर्ड नियर अ वेल, जो लोग एक कुएं के पास इकट्ठे हुए थे। आई रैन टू देम, मैं उनकी तरफ दौड़ा। एंड और देयर कुड बिफोर आई कुड से अ थिंग, मैं इससे पहले कि मैं कुछ भी कह पाता, कुछ कह सकता, आई फेंटेड, मैं बेहोश हो गया। फेंटेड का मतलब, फेंट का मतलब लॉस कॉन्शियसनेस। व्हेन आई ओपन माय आईज, जब मैंने अपनी आँखें खोली। आई सॉ एन ओल्ड मैन, मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा। विथ वाइट हेयर, जिसके बाल सफ़ेद थे। वाइट बियर्ड, सफ़ेद दाढ़ी थी। एंड शाइनिंग ब्लैक आईज, और चमकती हुई काली आँखें। बेंडिंग ओवर मी, जो मेरी तरफ झुकी हुई थी, यानी कहने का मतलब ये है, ये बेड पर लेटे रहे होंगे और कोई आदमी यहाँ बैठ करके उन्हें ऐसे थोड़ा झुक करके बेंड करके देख रहा होगा, उसके बारे में ये बता रहे हैं, कोई बूढ़ा आदमी। फॉर अ फ्यू नेक्स्ट डेज, आने वाले कुछ दिनों तक, ही लुक्ड आफ्टर मी, उसने मेरी देखभाल की। पुटिंग फूड इन माई माउथ, मेरे मुँह में खाना डालता, यानी वो मुझे खिलाता। ही एंड ब्रिंग मी स्वीट, मेरे लिए मिठाइयाँ लाता। कूल वाटर फ्रॉम द स्ट्रीम, और जो वहाँ छोटी कोई नदी होगी वहाँ से कोई वो ठंडा पानी भी लाता। स्ट्रीम का मतलब होता है कि छोटी नदी। ही रब्ड माई फीट जेंटली, और वो मेरे पाँव को धीरे धीरे से दबाता। यहाँ पर रब्ड का मतलब तो होता है रगड़ना, लेकिन रब्ड जेंटली, ही रब्ड माई फीट जेंटली, वो मेरे पाँव को धीरे धीरे से रगड़ता है। यहाँ पर जेंटली का मीनिंग हम कह सकते हैं कि विथ अ माइल्ड और काइंड और टेंडर मैनर, बहुत ही आराम से, बहुत ही धीरे से उनके पाँव को एक तरह के लिए दबाता था। एंड मेड द पेन गो अवे, और उसने मेरे दर्द को चलता किया। ठीक, नेबर्स
स्ट्रेंजर्स, पड़ोसी, अजनबी लोग, एवरीवन केम टू विजिट मी, सभी मुझसे मिलने आया करते थे। विजिट का मतलब क्या हो सकता है कि गो टू, विजिट का मतलब सी, यहाँ पर हम कह सकते हैं देखने के लिए। एवरीबडी केम टू सी मी, सब मुझे वहाँ देखने आया करते थे। जैसे आप किसी के पास जाते हैं, समय बिताते हैं, कुछ देर बैठते हैं, किसी का हाल चाल लेने जाते हैं, तो उसको आप कह सकते हैं विजिट। एवरीवन केम टू विजिट मी, सभी मेरे पास आते थे मुझे देखने के लिए, मेरा हाल पूछने के लिए। टेल मी ग्रैंडफादर, दादाजी मुझे बताइए, टेल मी का मतलब मुझे बताइए, ग्रैंडफादर मतलब दादाजी। आई सेड टू हिम वन डे, एक दिन मैंने उनसे कहा। आई हैव नेवर सीन पीपल लाइक द विलेजर्स हियर, मैंने कभी भी इस तरह के गांव वालों को पहले कभी नहीं देखा है। इन माई विलेज, मेरे गांव में, पीपल फाइट विथ दोज हु प्रे टू अनदर गॉड, लोग एक दूसरे से झगड़ा किया करते हैं, लड़ा करते हैं, विथ दोज, उनसे जो दूसरे भगवान की पूजा करते हैं। बट हियर, लेकिन यहाँ पर, दिस सीम्स अ वेरी स्ट्रेंज प्लेस, यहाँ पर ये मुझे बड़ी, दिस सीम्स अ वेरी स्ट्रेंज प्लेस, ये एक बड़ी विचित्री, बड़ी अजीब सी जगह मुझे इस मामले में लगी, क्योंकि यहाँ पर लोग लड़ते हुए, उन्हें झगड़ते हुए प्रेम को नहीं नज़र आए होंगे, इसलिए उसे इस मामले में ये जो गांव है वो बड़ा ही अजीब लगा होगा। प्रेम रिप्लाइड द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी ने कहा, बूढ़े आदमी ने जवाब दिया प्रेम। आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ पंभुपति, मैं तुम्हें पंभुपति की कहानी सुनाऊंगा, कहानी बताऊंगा। यू कैन टेक दिस स्टोरी बैक टू योर विलेज, तुम इस कहानी को वापस अपने गांव ले जा सकते हो। यू कैन टेक दिस स्टोरी बैक टू योर विलेज, तुम इस कहानी को अपने गांव वापस ले जा सकते हो। मे बी इट विल हील सम ऑफ इट्स वूंड्स, हो सकता है, मे बी का मतलब परहैप्स, पॉसिबली, इट मे हील सम ऑफ इट्स वूंड्स, ये जख्मों को भर दे, यानी ये घाव को भर देगा, कुछ घाव को भर देगा। एंड ड्राई सम ऑफ इट्स सोर्स, और इसके ये सोर्स का मतलब तो यहाँ जैसे छाले फोड़े होता है, को सुखा देगा, ऐसा कुछ सेंस आ रहा है, लेकिन कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो सोर्स का मतलब हम कह सकते हैं पेनफुल प्लेस ऑन द बॉडी, पेनफुल प्लेस ऑन द बॉडी, तो उसको हम बोल सकते हैं सोर्स। तो ये तुम्हारे जो जख्म हैं उनको हील करेगा, उन्हें भरेगा, और जो तुम्हारे जो पेनफुल प्ले बॉडी में जगह है वो भी उन्हें ड्राई कर देगा, सुखा देगा। जैसे फोड़ा वगैरह हो जाए या फिर कोई ऐसी इंजरी हो जाए जिसमें ब्लीडिंग होती है, तो उसके जब वो सूखता है तो उसको हीलिंग भी कह सकते हैं और ड्राई भी कह सकते हैं। ओह ग्रैंडफादर, अरे दादाजी, आई सेड एनेक्जियसली, मैंने थोड़ा चिंतित रूप से कहा, वरिंग, एनेक्जियसली का मतलब वरिंग। डोंट से दैट, ऐसा मत कहिए। वॉट आई हैव सीन इन माई विलेज मेक्स मी बर्न विथ शेम, जैसा मैंने, वॉट आई हैव सीन इन माई विलेज, जैसा मैंने अपने गाँव में देखा है, इससे मुझे बहुत शर्म आती है, इससे मुझे बहुत शर्माती है। बर्न विथ शेम का मतलब फीलिंग ऑफ सैडनेस और एम्बेरसमेंट और गिल्ट, आप ऐसा कह सकते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हो अपने किसी बात पर, या फिर उसे बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील हो, उसे हम कह सकते हैं कि बर्न विथ शेम। आई नेवर वॉन्ट टू गो बैक देयर, मैं कभी भी वहाँ जाना नहीं चाहता हूँ। बट लेकिन दैट्स एग्जैक्टली वाई यू मस्ट गो बैक, लेकिन दैट्स एग्जैक्टली, बस इसी वजह से वाई यू मस्ट गो बैक, तुम्हें वापस ज़रूर जाना चाहिए। ही सेड, उन्होंने कहा, यानी बूढ़े आदमी ने कहा, प्रेम ने कहा कि मैं कभी भी उस गांव में कभी भी नहीं जाऊंगा। लेकिन प्रेम के जो वहाँ जो दादाजी थे उन्होंने कहा बस इसी वजह से तुम्हें वहाँ पर ज़रूर जाना चाहिए। इन अ सॉफ्ट वॉइस, उन्होंने ये जवाब जो दिया उन्होंने बहुत ही नरम, बहुत ही मधुर आवाज़ में, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत आवाज़ में ऐसा बोला।
कि तुम्हें वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। आई केप्ट क्वाइट, मैं चुप रहा। आई डिड नॉट वॉन्ट टू आर्ग्यू विथ हिम, मैं उनके साथ बहस नहीं करना चाहता था। एंड आई वॉन्टेड टू हियर हिज स्टोरी, और मैं उनकी कहानी को भी सुनना चाहता था।